भाई लोगों, आज आ रखे हैं हम भारत का जो नक्शा होता था ना, ये नीचे का हिस्सा है। देख लो पूरा वैसे ही शेप में, ये ऊपर से पूरा वैसे लगता है। देख लो जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है ना, तो ये कर्क रेखा है, ये यानी बीच से, और ये पूरा हिस्सा है। देख लो वैसे गुजरात वगैरह के साइड नहीं है वैसा, बट है थोड़ा वैसे शेप में। यही है हमारा सबसे बड़ा खेत, मतलब हमारे यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा खेती है। 2 दिन लगते हैं, एक वहाँ है तो कोटा के उधर है, दिखाएंगे आपको कभी। आज आ रखे हम यहाँ, धूप देखो, वहाँ धूप तो आ चुकी है बट यहाँ नहीं आई, तो लगाते हैं अभी हल। दोस्तों कर दिया हमने इतना, मतलब आपको धूप के कारण नहीं दिख रहा होगा ना, तो मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ अपने हाथ से। ये वाला हिस्सा यहाँ से, या ये जो इधर है पूरा इतना कवर रह रखा है, ये अंदर वाला पोर्शन, और इसको भी करेंगे जल्द से कल वाला, क्योंकि यहाँ बहुत हार्ड हो रहा है ये मिट्टी, तो मैं आपको बाद में। तो हेलो दोस्तों, पहुंच चुके हैं अपने गांव के गेट पे, और आज के ब्लॉग की शुरुआत करता हूँ भाई लोगों में यहीं से, क्योंकि मेरे को ब्लॉग स्टार्ट करने का भी मौका नहीं मिला। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सब, क्या आशा करता हूँ मेरे को आप सब एकदम मस्त होंगे, हम भी एकदम बढ़िया हैं। और एक बार से फिर हम हल लगा के घर को आ चुके हैं, हमने लगाया वो यहाँ पर ये, और अभी जा रहा है भाई आगे से, मैं जा रहा हूँ पीछे से, और मुँह वगैरह धोते हैं, फिर मिलते हैं आपको बाद में। तो ये देख लो अपना बॉस, आज का बच्चा देखो, ये होती है माँ की ममता, क्या जा रहा हूँ अपने मम्मी के साथ। आज सोने के लिए भाई लोगों एक नंबर फर्स्ट क्लास है, कैसे सो रहा है अपनी मम्मी के सिर में। तो भाई लोग देख लो कहाँ सो गया ये, रुको मैं वहां से दिखाता हूँ आपको, देखो कैसे लग रहा है, करीब से दिखाता मैं। हाँ ये देखो, बस ए बेटा उड़ गया। तो हम चलते हैं घर, मुझे आपको बात है। तो दोस्तों अभी आ रखे हैं हम बकरियों के साथ, और भाई लोगों मेरे साथ हमेशा यही लॉजिक होता है, मैं कभी बकरियों के साथ नहीं जाता, और मैं जब जाता हूँ बकरियों के साथ पता नहीं ऐसा क्या होता है कि मतलब हमारी कोई ना कोई बकरी, मतलब जो बच्चा देने वाली है वो बच्चा दे देती है, तो जो सीनू का बच्चा हो रखा है ना घर पर, तो उसी की मम्मी का भी हो गया है, अभी बच्चा हो रहा है। देखते हैं भाई लोगों, भगवान की कृपा रहेगी तो बचेगा, अभी देखते हैं, अभी तो हुआ नहीं, अभी वो सो रखा है, जब तक होता है तब तक यहीं पर रहते हम। देख लो यहाँ आधी बकरियाँ इधर है, और उस साइड है पीछे साइड, और ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है कि मैं बकरियों के साथ जाता हूँ, जैसे मतलब मैं कभी नहीं जाता, हर 5 दिन 6 दिन 1 महीना 2 महीना बाद जाता हूँ, तो पता नहीं कैसे मतलब मेरे ही नसीब में आता है। तो अभी देखते हैं क्या होता है, फिर मिलते हैं आपको बाद में। तो फिर दोस्तों मुबारक हो गया उसका बच्चा, ये देख लो भाई लोगों हो चुका है, और जब इसका पहली बार हुआ था ना, मतलब फर्स्ट टाइम जो सीनू है, तो वो भी यहाँ ऊपर हुआ था, कहाँ यहाँ ऊपर साइड, ओ
इसका सॉरी हाँ इसका हुआ था वहाँ, और एक जो इसी के साथ का था बड़ा वाला बकरा ना हमारा ही था वो, उसका हुआ था एक दिन यहाँ। और जो ऐसे हाँ तो जो एक हमारा अब तो हमारे पास है नहीं बड़ा वाला बकरा, और हमने बेच दिया था, उसका हुआ था एक बार यही ऊपर। उस दिन तो बहुत ज़्यादा मतलब ठंड हो रही थी, हमने बोला अभी नहीं बचेगा। तो अरे दोस्तों हो चुका है उसका बच्चा, सुरक्षित है। और अभी भाई को कॉल करता हूँ मैं, इसको भिजवाते हैं फटाफट से घर। ये देख लो अभी धूप में रखेंगे उसको थोड़ा। बकरा था चलिए तो लेके चलते हैं अब इसको घर। भाई भी आ चुका है नीचे पे, तो अब ये जाएगा सीधे घर, नहीं तो ये अपने बच्चे को ढूंढता है। नीचे पे ले जाएंगे उसको। ये सीन रहता है बकरियों के साथ, अब वो जाएगा सीधे घर को। तो भाई लोगों आ चुका है वो सीजन जब खाते हैं हम ब्रांस। ये है ब्रांस के पेड़, ये देख लो लाल लाल हो रखे ना। तो ये है भाई लोगों ब्रांस के पेड़, हम आ चुका है इनका सीजन। ये देख लो, ये देखो मैं पेड़ में कैसे जाऊं, पेड़ में तो नहीं जाऊंगा बट यहाँ से थोड़ा सा आपको दिखा सकता हूँ। ये देख लो आई हो रहा हमारा चिकन भात। बुल्ली लाई अपने ने, बुल्ली बुल्ली। तो भाई लोगों ये है अपना पुराना स्कूल, और अभी आपको मैं बताता हूँ। लाली 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 बिंदु 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 बिंदु, इसको देखो इसको देखो इसको देखो कैसे भाग रही है। क्यूट लगती है मेरे को क्यूट, क्योंकि हमारी भी ऐसी थी नहीं। और भाई लोगों ये वाला जो आपको पेड़ दिख रहा हूँ ना, ये इसमें रहता था हमारा मैच खेलने का पिच। ये अपना स्कूल, ये नीचे वाला स्कूल है, ये ऊपर वाला है। ये नीचे 1-5 तक था, और 6 में हम यहाँ ऊपर आते थे मतलब आए, और 6-8 तक है ये। फिर गंगा स्कूल भाई भाई भाई, और जहाँ हम पहले थे ना अभी बाकी चलाए, तो वहाँ भाई बर्फ की सिल्लियों जैसे वाली हवा चल रही थी, क्योंकि वहाँ पूरे बांज के पेड़ है, और ठंड से एकदम बुरी हालत हो गई हमारी। मेरे हाथ तो ऐसे ऐसे टेढ़े हो रहे थे ऐसे। अभी जब मैंने खाना खाया तो थोड़ा धूप में बैठा खा ना, तब जाके थोड़ा शरीर में जान आई। और जब मैं भी आपको अपना स्कूल भी दिखाता हूँ, तो ये है कुछ भाई लोगो हमारा पिच, इसमें रहता था। ये पुरानी यादें भाई लोगो बहुत ज़्यादा याद आती हैं। हम वो वाला पेड़ दिख रहे हैं ना, उसको कहते थे कि वो छक्का की बाउंड्री है, मतलब 6 है वहाँ। और यहाँ पर रहता था कुछ हमारा पिच का सेटअप, और यहाँ पर रहता था कीपर, बाकी फील्डिंग वगैरह करते थे, और यहाँ से खिलाते थे भाई लोगों गेंद। बहुत मज़ा आता था भाई लोगों यार माँ कसम। और इस पेड़ में तो हमने बहुत सारे खेल खेल रखे हैं अपने, मतलब जो हमारे साथ लड़कियां पढ़ती थी उनके साथ खेल खेलते थे हम भी, मतलब मैं ही खेलता था और भी खेलते थे। और पता नहीं क्या लिख रखा है, कुछ ऐसा अल्ली बिल्ली बिल्ली का सीन, जिससे रहते थे 6 पे था, मतलब इसके पार जाना था तो 6 था। और पुराने दिन भाई वो याद आ गए अपने, ये देख लो ये अपना स्कूल, यहाँ से जाते थे हम, और कभी यहाँ से यहाँ नहीं जाना था हमने, हमने इधर से ही जाना था। ये अपनी बाउंड्री ये है,
बाथरूम वगैरह मतलब गुरुजी लोगों के लिए, और ये है भाई लोगों, और इस ये जो पेड़ लगा रखे ना, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक पेड़ लगा रखा था, अब तो है नहीं है, ये देख लो यार पूरे बर्बाद हो गए हैं भाई लोगों। ये यहाँ पर जाना तो फूलों का पेड़, ये देख लो अलग से क्यारियाँ दी जाती थी हमें, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये क्यारी मेरी थी, ये वाली मेरी क्यारी यहाँ से थी, ऐसे में लगा रखा था मैंने कुछ पत्थर सा इधर से, इस पे होते हैं फूल भाई लोगों मस्त वाले कलरफुल, ये देख लो अभी हो रहे हैं। बाकी अपना स्कूल चेक करो यार, यहाँ से पढ़ा हमने, यहाँ किए हमने बहुत सारे उल्टे काम। ये 6 की क्लास है, ये 7 की क्लास है, ये 8 की क्लास है, एक मतलब दो दो गेट हैं दोनों पे, तीनों पे देख लो। और यहाँ भाई लोग यार क्या बोले, अभी तो याद आ रहा है मुझे, ये अपनी 8 की क्लास, और ये है क्या कहते हैं इसको, यहाँ स्टाफ रूम है, एक तरफ से लगा लो सर लोगों का बैठने के लिए, और यहाँ है स्टोर मतलब चावल वगैरह यहाँ रखे जाते थे। और मेरे को वो दिन याद आ रहा है जब हमारी छुट्टी होती थी तो ताला लगाने के लिए बोलते थे ना सर, तो पता हम क्या करते थे, पहले इसको लगाना था फिर यहाँ से चढ़ते थे। अजय ये आपको ये दिखाई दे, थोड़ा मम्मी का कॉल लगाया था, तो हाँ भाई लोगों मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से जो निशान दिख रहे हैं तो ये जूतों के थे, यहाँ से चढ़ के लगाना पड़ता था हमें ये ताला, ये देख लो ये शायद ऐसे में खुल जाता था, ऐसे कैसे ऐसे करके खट से खुल जाता था, तो यहाँ चढ़ के लगाना पड़ता था ताला। और बाकी तो पूरा मतलब यहाँ संभालना पड़ता था हमें ही। और ये है मेन गेट, ये देख लो ये अंदर से भी बाहर से भी दोनों साइड से खुल जाता है, तो खुल गया है। और ये है अपना किचन, और यहाँ से आता है पानी मतलब अंदर से खोलना पड़ता है, ये है नल। बाकी वो जो एक खड्डा दिख रहा है उस नीचे वाली स्कूल का लैट्रिन बाथरूम था, और आपको अपना फील्ड दिखाता हूँ, ये है इसमें खेला करते थे हम। और यहाँ पर है अपना सेटअप, सबसे ज़्यादा सुमित भाई याद होगा, तो ये देख लो यहाँ पर बनाई जाती थी पत्थरों के बैठने के लिए दीवार, और अपने अपने लिए सेटअप बनाए थे। ये सारे पत्थर भाई लोगों हमने ही ला रखे हैं, ये जो आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे थे, इतनी ऊंची ऊंची दीवार बनाए रहती थी हमारी अपने मतलब बैठने के लिए, मतलब यहाँ पर होंगे पत्थर, ये देख लो ये सारे पत्थर दिख रहे हैं ना, ये सारे हमारे ला रखे हैं, ये यहाँ नीचे भी होंगे। तो ऐसा कुछ सीन रहता था, और यहाँ से जाते थे भाई लोगों हम यहाँ बुरांस के लिए, बहुत सारे चीज़ें कर रखी हमने अपने स्कूल में, आपको दिन याद आ रहे हैं। और एक दिन यहाँ से सुमित भाई को याद आ गया होगा, ये कंडेली अभी तक है, अमित भाई को एक दिन यहीं गिराया था हमने, और उसके बाद तो रोने लग गया। और यहाँ से ये दीवार नहीं थी पहले, ऐसे ही सिंपल सा रास्ता था, बट अब ये नल और ये लग चुका है। और ये है नीचे वाली स्कूल का लैट्रिन बाथरूम, और एक बार ये दीवार भी नहीं थी, ये भी अभी बनी, और ये नीचे वाला, और यहाँ पर ऐसे दीवार थी एक बार सिंपल से। और एक दिन एक भाई दौड़ रहा था, उसकी आँख पे लगी सीधे, उसका आँख यहाँ से कट गया था। अगर सुमित भाई को याद आ गया होगा तो किसका कटा तो कॉमेंट में जरूर लिख देना भाई लोगों, भाई उसका नाम। और ये है नीचे वाला स्कूल अपना, यहाँ उतना मेरे को याद नहीं है, बट मतलब इतना तो है, ये है क्लास मतलब इसमें पूरे एक ही साथ बैठते हैं, ये पीछे साइड स्टोर है, और ये स्टाफ रूम है, और यहाँ कुछ पिक्स बन रखे हैं ना, तो ये अब बन रखे हैं, और बाकी ये तो पहले से ही थे। सोमवार को दाल चावल मतलब ये कल सोमवार को दाल चावल खाएंगे, मंगलवार को दाल चावल सब्जी, और भी बहुत सारे हैं मैं पढ़ूंगा नहीं, आप रोक के पढ़ लेना। और ये था किचन, और
अब बन चुका है इस साइड। और जब ये नहीं था, मतलब हम जब ऊपर वाली स्कूल में चले गए थे तब आया ये, मतलब काम तो हो गया था। यहाँ नीचे था एक फील्ड, यहाँ है किचन, और इसके ऊपर था एक फ्लाईओवर सा, यहाँ से ऐसे दीवार सी थी कुछ, इस पे से इस पे जो ये दिख रहा होगा ना आपको निशानी, तो यहाँ से थी वो दीवार जिसमें हम दौड़ा करते थे, फिर इसकी छत में जाया करते थे। अभी जाके भी बताता हूँ मैं आपको ऊपर। तो ये देख लो, यहाँ पर पढ़ लो, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल भंडेली कोटा। और एक बारी भाई लोगों आपको बताता हूँ मैं, एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ जब बर्फ़ पड़ी थी ना, तो इतनी मोटी सिल्ली थी इसमें, और हम अपनी जो खाने की थाली रहती है ना उसको लेके बैठ के एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। और एक बार मैं ऐसे मैं खड़े में गया, मैं दौड़ के ऐसे मतलब रुका, और जैसे मैं रुका ना तो यहाँ से गिरा मैं सीधे नीचे, मेरा कान कट गया था, मतलब लगी मेरे को बहुत तगड़ी वाली उस दिन। और सागर भाई भी थे, मतलब सागर भाई, मस्ती भाई, ये सब थे हमारे साथ। वो मतलब ऊपर की स्कूल में पढ़ते थे हम, यहाँ नीचे की ये है अपना ऊपर वाला स्कूल। तो ये देख लो, ये है दोनों के दोनों प्रिंसेस, इसकी प्रिंसेस ये है। तो फ्रेंड्स दोस्तों, रात हो चुकी है और मेरे को ब्लॉग करने का मौका नहीं मिला, तो इसी के साथ पहले को मैं इस ब्लॉग को करता हूँ, एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।